दिल्ली सरकार और एलजी के बीच प्रोटेम स्पीकर को लेकर टकराव का मामला, आपने कहा कि परंपरा के साथ रहे एलजी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रोटेम स्पीकर मामले में एलजी के पास खुद से नाम बदल कर भेजने की शक्ति नहीं है, लेकिन एलजी लगातार कानून को तोड़ रहे हैं। आपके अनुसार प्रोटेम स्पीकर के चयन के मामले में दिल्ली सरकार की सिफारिश उपराज्यपाल के ऊपर बाध्यता है। एलजी के पास दो ही विकल्प है, पहला सरकार की सिफारिश को मान लें और दूसरा राष्ट्रपति को भेज दें। वे स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर ही महापौर का चुनाव संपन्न कराते हैं। आपने कहा है कि दिल्ली सरकार ने सोच समझ कर इस बार भी दिल्ली नगर निगम के सबसे वरिष्ठ सदस्य मुकेश गोयल का नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए भेजा है। ऐसे में एलजी वर्षों से चली आ रही परंपरा के साथ रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि एलजी ने पिछली बार मनगढ़ंत तरीके से मुकेश गोयल का नाम प्रोटेम स्पीकर के पद से हटाया था, जबकि असलियत यह है कि आज भी मुकेश गोयल के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नोटिस दिया है। डीईआरसी के मामले में शुक्रवार को ही एलजी को नोटिस मिला है। इसके अलावा 3 हफ्ते पहले एल्डरमैन गलत तरीके से नियुक्त किए, उनको सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है।